हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक। अरे किधर चढ़ रहा हो भाई? अच्छा इधर जाना है। सो क्या हाल चाल, क्या बोल दी पब्लिक, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे होई भाई, स्टोन का फुल स्टैचू बिच्छू लग रहे लाए यार, इसने मार दिया भाई इसको। कौन है भाई ये कौन है? सुरेश ब्रदर, यहाँ पे शील्ड नहीं लगाना रे भाई, मैं अपने डायनोस को लेके नहीं जा पाता। तुमको लगाने तो रेडियस कम करके लगा दो खाली, ठीक है? तुम्हारे बेस के उतना ही लगा देना, क्योंकि फिर वो हो जाता है। मैं डायनोस को ना यहाँ से लेके जाता हूँ ना मैक्सिमम टाइम, तो वो ठुक जाते तुम्हारे शील्ड से, ठीक है? गॉट इट ब्रदर। चलो तो गाइज, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क डू और डाई का। तो गाइज, आर्क डू और डाई के पिछले वाले एपिसोड में, अरे अटक गया गेम, हाँ। सो गाइज, आर्क डू और डाई के पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा बॉस की बैंड बजा के हमने हमारा फर्स्ट जो है भाई स्केलेटन वाला जो भाई स्पाइनो होता है, जो कि रिजरेक्टेड स्पाइनो होता है, उसको टेम करा था। हम रिजरेक्टेड थेरी को टेम करने के लिए भी जा रहे थे, बट हमारे प्यारे प्यारे से प्रोएस्ट ऑफ प्रो, अल्ट्रा प्रो, सुपर डुपर, एकदम खतरनाक प्रो हैरी पॉटर सर जी ने जो एक लौती एरो हमको मिली थी, उसको भी वेस्ट करके थेरी को जो ना गाइस, हैरी सर जी इतने क्लोज रेंज में भी मार नहीं पा रहे थे भाई। मतलब क्या बोलूं भाई, पूरा दिमाग खराब कर दिया था। लेकिन कोई ना गाइस, कोई ना, होता है कभी कभी गाइस, ऐसे होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें, नहीं छोटी नहीं थी, वो बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। सो गाइस, हमारे पास ना अभी फिलहाल के लिए स्पाइनो और बाकी के रिजरेक्टेड जो डायनो है ना गाइस, वो हमको टेम करने पड़े, वो अभी टेम नहीं कर पाएंगे। अभी ना आज मैं आपको एक खतरनाक सा डायनो दिखाने वाला हूँ। बट गाइस, आज का जो डायनो है वो मैं आपको दिखाऊँ, उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाक से गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे प्यारे प्यारे से गेमिंग विद्याडी के चैनल का, जहाँ पे मेरे आर्क हंड्रेड की सीरीज चालू है। और हमारे प्यारे प्यारे से जो है ना गाइस, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा व्लॉगिंग चैनल का, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी गाइस, यहाँ पे हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक हो चुका है कब का। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे का आपको छोटा सा थैंक्स का बटन दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को जो है ना गाइस सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, करते आज के एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के। और बाकी आज कोई भी सपोर्टर आपने नहीं है तो भाई शाउट आउट अभी आज तो किसी को मिलने वाला गाइस, क्योंकि किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। गरीब हो गया यार, मैं क्या बताऊं। बाकी सुरेश कुछ तो बोल रहा है, रुक जाओ भाई, क्या बोल रहा है, रुकना गाइस, ये मेरे नजदीक आ रहा है भाई, रुकना, इसको कुछ तो चाहिए भाई। हेलो सुरेश ब्रो, क्या हुआ, क्या चाहिए? हेलो 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 हेलो, अरे कुछ तो बोलो, क्या मांगता सुरेश ब्रो, कुछ चाहिए क्या? अरे तो बोल भी ना रहे हो भाई सुरेश भाई, क्या मजाक कर रहे हो भाई, चलो निकल लेते हैं भाई। ये भाई कुछ बोल ही ना रहा, मुझे लगा कि कुछ चाहिए होगा इसको, बट पता नहीं बोलने की कोशिश कर रहा है क्या, पता नहीं भाई। तुम्हारे आवाज़ ना आ रही है, टाइप करके बताना कुछ अगर बोलना हो तो, ठीक है ब्रो। चलो भाई, डेविल भाई, खुद मेहनत करके सामान इकट्ठा कर लो, बॉस स्पॉन कर लो भाई, ठीक है, खत्म बात भाई। एक एक बॉस स्पॉन करके दो, ये दो भाई रिक्वेस्ट चलती रहती है एकदम। मैं कुछ, हाँ मैंने गाइस खाली वो कुछ था, वो कुछ तो समवार्निंग रेजेंट था वो खाली, जो है ना गाइस, यहाँ पे जब मैं शील्ड टेस्ट कर रहा था ना, तब मेरे को बाइंडिंग मैग्मोसोर समॉन करने के लिए चाहिए थे, क्योंकि किसी ने अपनी शील्ड तोड़ के, आपको बताओ गाइस, हमारे बेस के ऊपर अटैक कर रहा था वाइल्ड डायनो से, तब मैंने उसके अंदर डाले थे। उसके अलावा हर एक चीज़ भाई, ठीक है, लावा रॉक से लेके चारकोल तक मैं खुद यहाँ पे ग्राइंड करके गाइस लेता हूँ भाई, ठीक है। सो गाइस, मेरे को कोई और बंदा ये दो वो दो करता है ना, तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाता है, इसलिए मैं मैक्सिमम किसी को कुछ देता नहीं हूँ भाई, ठीक है। चलो दोबारा गाइस, अभी ये सुरेश को चाहिए क्या भाई, ये मेरे बेच के आजू बाजू घूम रहा। A few moments later. चलो गाइज, भाई सुरेश भाई कुछ बोलना रही है तो अपन निकल लेते हैं गाइस सीधा अपने बेस पे। और हाँ गाइज, आपने जो नाम हमको भेजे थे वो हमारे पास आ चुके हैं, तो फटाक से जो है ना गाइज यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं। सो गाइज, डायनोस की भी नाम आए, डायनोस के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे प्यारे प्यारे से जो NPCs है ऊपर, इनके भी नाम जो है ना गाइज, वो हमारे पास आ चुके हैं। अरे वाह भाई, अरे यही पे एपके गया है। और बाकी मैं सूट चेंज कर रहा हूँ, मैंने आपके कमेंट भाई देखे, मैक्सिमम बंदे बोल रहे हैं कि मेरा सूट टट्टी लग रहा है,
भाई नहीं भाई, ये मेरे से भाई सहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं अपना सूट वो चेंज करके आज से ये वाला सूट भाई पहन के घूमूंगा भाई, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ पे जो है ना गाइज, बंदों ने भाई डायडूस के नाम तो बताए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पैर पैर से जो NPCs है ना, इनके लिए भी नाम बताए हैं। वैसे गाइज एक ही बंदे ने नाम बताया, तो अपन जो है ना गाइज आप फटाक से जो है ना गाइज नामकरण करने वाले भाई, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना गाइज पहले का नाम रखेंगे अपन अमर, ठीक है अमर। दूसरे का नाम हम रखेंगे गाइज अकबर, अकबर ऐसे होता है ना, मेरे को बताने स्पेलिंग अगर इधर उधर हो जाता है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। एंड थर्ड का रखेंगे एंथोनी, ठीक है। सो ये रहा भाई अमर अकबर एंथोनी, और ये नाम हमको सजेस्ट करे एक्स गेमर ने, तो एक्स गेमर ब्रदर बिग 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 शाउट आउट टू यू ना मेरे भाई, एंड थैंक यू इतने अच्छे नाम बताने के लिए। बाकी गाइज हमारे तीन तीन जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, इनके लिए भी नाम बता दीजिएगा गाइज, ठीक है। चलो तो फिर गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खतरनाक सा भाई पप्पा का परा भाई, ठीक है। पापा का परा ने पापा का बेटा लाडला बेटा दिखाने वाला हूँ। आपको बता होगा कल हमने मारा था डैडी को, बताया आपको हमने डैडी को बहुत गंदी तरीके से, मतलब डैडी मतलब बॉस डैडी भाई, जो आया था ना गाइज बॉस वाला डैडी, उसको अपन ने चेपा था। उसको चेपने के बाद हमको यहाँ पे मिला था एक खतरनाक एंड ओपीजा गोरिला भाई, ठीक है। बाकी उस गोरिला का नाम मेरे को अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं दूर रहा भाई कहाँ पे भाई उसका नाम क्या था, बिकॉन बिग फूट ना, बिकॉन बिग फूट तो भाई अपना वो है ना गाइज, ये बिकॉन बिग फूट तो उसका है ना, बिकॉन करके नाम है क्या, बिकॉन बिकॉन ओवरलॉर्ड है भाई, ये क्या है फिश का, अच्छा ये आयरन मैन, ये पता नहीं है गाइज, ये भाई फ्लैश का चच्चा आयरन मैन, जिसका भी होगा ये गाइज ले लेना मेरे से भाई, इसका मैंने ले लिया था गलती से भाई, बॉस फाइट के टाइम पे उंगली कर रहा था गाइज बहुत ज़्यादा, तो मैंने ढाप लिया था। बाकी बिकॉन ओवरलॉर्ड हो गया यार, नाम क्या था भाई उसका, स्पेक्ट्रल रैबिट, ओ और स्पेक्ट्रल रैबिट मेरे को पता चला गाइज लोगों ने बताया कि ये किसी भी डायनो के जो है ना अंडे विंडे हैच बिच करने के कुछ काम आता भाई, ठीक है। मेरे को कमेंट पड़ी तो थी बट अभी मैं भूल गया, रुक जाओ गाइज मैं ढूंढता कि वो बॉस है कहाँ पे भाई, ठीक है। उस बॉस का नाम दो मेरे को भाई बिल्कुल पता नहीं, बट यही कहीं पे भाई होना तो चाहिए। फ्रोजन प्रिंस है, क्यूटी पाए, प्राइम जेलीफिश है, नहीं चेहरे बाबा अहिरावत, अहिरावत तो अपना भाई एलिफेंट है ना गाइज, हाँ। बाकी तो इंडोमेज गोरिला है, आर्मर्ड स्पाइनो है, प्राइम गीगा और रेस्ट्रेटेड स्पाइनो, ए आ ये रहा भाई नीचे भाई हॉट बार पे, और मैं भाई पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ भाई, ये देखो ये रहा गाइज, ये रहा अपना बीकन मेटल मंकी ना मेरे भाई, ओ यस, अरे निकलना बाहर, ओ यस, ओ भाई साहब ये तो हमारा इंडोमियस गोरिला लग रहा है, जिसको भाई एकदम खतरनाक सा आर्मर चढ़ा के रखा है, ओ ओ ओ भाई क्या लुक है भाई, एक मिनट रुक जाओ गोरिला किधर है अपना, ये देखना गाइस ये जो गोरिला है ना अपना गोरिला, मोटू मोटू सा गोरिला, सेम गोरिला बट गोरिला के ऊपर लगाया हुआ है खतरनाक सा आर्मर, देखो सेम हाँ सेम है, देखना ये देखना अभी भाई बिठा लेना भाई, देखो सेम गोरिला साइज सेम टू सेम है, साइज सेम टू सेम है, ये देखना ये देखना साइज सेम टू सेम है, इधर से देखोगे तो ये बड़ा लगेगा, इधर से देखोगे तो ये बड़ा लगेगा, साइज दोनों की सेम टू सेम है, बट उसके ऊपर जो है ना गाइस एक्स्ट्रा आर्मर खतरनाक सा पहनाया गया है। बाकी मेरे को लग रहा है कि वो वाले गोरिला का जो आर्मर है ना गाइस वो एकदम तगड़ा वाला जाने वाला है भाई, ठीक है। आर्मर सॉरी डैमेज एकदम तगड़ा वाला जाने वाला है। सो गाइस इस गोरिला के अंदर बैठ जाते, कोई इवोल्यूशन है क्या भाई तेरे अंदर, रुक जा बीकन ओवरलोड के अंदर था तेरे अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं है। चलो भाई इसकी जो ना गाइस जल्द फुल कर लेते, 1 बिलियन क्या 1 बिलियन हो गई क्या भाई, भाई 1.1 बिलियन हेल्थ हो गई यार इसकी, अबे मजाक कर रहा है ना भाई 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 भाई, भाई। मैंने कहा 4 पॉइंट डाले, 4.2 बिलियन कर लेता हूँ ना गाइज, भाई साहब ये क्या बॉस किलर डायनो बन सकता है गाइज, बॉस किलर डायनो, अगर ये बॉस किलर डायनो बना ना मजा हो जाएगा भाई, कमोन 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 भाई 100-200 मिलियन डैमेज चला जाए यार इसका, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँगा, प्लीज प्लीज भाई 100-200 मिलियन कमोन कमोन आ जा गोरिला गोरिला, अरे भाई इसके गोरिला कमोन 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 100-200 मिलियन बेटा 100-200 मिलियन, ये क्या है व्हाट गाइस इनविजिबल फोर्स फील्ड, ये देखना ये देखना ये देखना ये देखना 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 देखना, अरे हवा में उड़ा दिया, अरे बाप रे टोन, अरे गोल गोल, अरे रिंगा रिंगा रोजेस कर रहा है भाई ये,
अरे रिंगा रिंगा नोटिस कर रहा है, अरे टोर्नेडो, निकल बाहर निकल, अबे अटक गया है टोर्नेडो में। गाइस इनविजिबल फोर्स बिल्ड, अगर मैं किसी डायनो के नजदीक जाऊंगा सो वो डायनो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। अरे ये नहीं गया, तो पीडी कैसे गया था भाई, वो पीडी कैसे पीछे गया था, तो छोटे छोटे डायनो ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे। देखना ये देखना, ये देखो ये देखो ये देखो, ढकेले जाएंगे गाइस, मारे जाएंगे, ढकेले नहीं मारे जाएंगे भाई। गाइस ये कुछ ज्यादा खतरनाक है, बाकी अटैक कौन सा साइड अटैक, ओके वो एक ही गोला छोड़ता है क्या, ओके सिंगल गोले वाला अटैक है, ठीक है सी पे। बाप अरे भाई पत्थर देखना, ये पत्थर नहीं है, बड़ा सा बम है गाइस। अबे यार ये क्या था, इधर यार मजा आ गया, यार मजा आ गया, ये क्या कर रहा है, व्हाट द एप ब्रो। भाई गाइस दम तो है भाई, दम तो है लोंडे में, गाइस बंदर में दम तो है भाई, बंदर में दम तो। अरे हर एक चीज उड़ा डाली, हर एक चीज देखना, ये देखना वंस हो रहा, वंस हो रहे, देखना पत्थर है यहाँ पे, पत्थर है, पेड़ है, देखना देखना खाली देखना देखना, पत्थर वित्तर बजे यहाँ पे, पेड़ बीड़ बजे गाइज, बजे ना भाई, सब स्वाहा सब स्वाहा भाई। डैमेज इसका भाई बहुत ज्यादा जाए प्लीज, बहुत ज्यादा डैमेज जाए। अबे यार 6 मिलियन यार, काश इसका डैमेज भाई ज्यादा जाता भाई। कल जो टीरानो एक बंदे ने डैम करा था ना, वो टीरानो का डैमेज बहुत तगड़ा जा रहा था, एक होने भाई मारा गया कुत्ते की मौत। ए मेरा ये वाला टाइम कितना जा रहा है, रुक जाऊंगा इस, ये वाला टाइम कितना जा रहा है, 53,000 जा रहा है, ठीक है इसका डैमेज गाइस उतना तगड़ा वाला नहीं है। मेरे को गाइस टीरानो भाई करना पड़ेगा डैम भाई, ठीक है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बट टीरानो स्पॉन होना जो है ना गाइस, मतलब आपको बताए भाई उतना आसानी से स्पॉन नहीं होगा, और हमको ना प्राइम ब्लड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है भाई, ठीक है प्राइम ब्लड की इतनी ज्यादा जरूरत है ना, क्या बताओ भाई, प्राइम ब्लड के बिना ना हम किसी भी बॉस को जो है ना गाइस यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टीरानो को तो मैं बना लूँ यार, लेकिन टीरानो बनाने के लिए ना मेरे को प्राइम ब्लड चाहिए भाई, ठीक है और प्राइम ब्लड के बिना, अरे अटैक क्यों नहीं कर रहा, अच्छा सर्वर थोड़ा पिंग मार रहा था, कितना पिंग दे रहा, 103 पिंग है, अच्छा आज थोड़ा सर्वर का पिंग ज्यादा हाई जा रहा है। बाकी गाइस यहाँ पे निट्राइडो जो है ना गाइस वो कल के दिन जो है ना गाइस, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो उस दिन पूरा सर्वर जो है ना गाइस अपना वो होने वाला है, ठीक है एफ के रहने वाला है एक दिन के लिए। निट्राइडो का कुछ तो बड़ा सा मेंटेनेंस है भाई, देखो हवा में उड़ा दिया, देख रहे हो बिना छुए भाई, ये क्या चीज है, एनपीसी बेस क्या, एनपीसी बेस, तीन तीन का डैमेज भाई, ये बेस उड़ गया, गाइस गाइस मैंने स्टोन का पूरा बेस अपने एक अटैक में उड़ाया क्या अभी जस्ट, हैं सच में क्या बोलते पब्लिक के, बात सच है कि मैंने एक फटके में स्टोन का पूरा बेस उड़ाया है अभी, बाप रे मजा नहीं रहा भाई, अगर ये सच है तो बेटा इधर आ, तू इधर आ बेटा भाई, उड़ उड़ के चल रेड उड़ में चल, अभी के अभी भाई अभी के अभी रेड उड़ में जा रहा होगा इसमें भाई, एक फटके में उड़ाया स्टोन का बेस मैंने, मजाक कर रहे हो क्या भाई, मजा नहीं लाया अपने मेरे बबड़ी गाइज, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा एकदम फुल मजा आ जाएगा, रुको अभी जा रहा भाई मैं रेडवुड में, रेडवुड में बेस ढूंढ ढूंढ के उड़ाऊंगा एक कोने, अरे टैच गा वैसे रुको, चलो गाइज इसका भी गेम बजा डालते भाई, ठीक है ये बेस का, अरे यार ये बेस दो भाई अपने भाई, क्या बोले एक फटके का मेहमान है यार, क्या एक फटके का मेहमान, ठीक है बाकी मैं भाई टेक गन, एक मिनट रुक जाओ इसका मतलब टेक गन से उड़ा देता हूँ ना, गोरिल्ला की जरूरत नहीं है भाई, छोटे मोटे बेस के लिए गोरिल्ला की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है लो चलना बेटा, चलो 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 खत्म भाई, इसको तो अपन ऐसे उड़ा डालेंगे भाई, ठीक है ये ले बेटा इजी पीजी, ऊपर की जो इसकी भाई वो है ना गाइस वो मार भी नहीं पाएगी भाई, ठीक है अपन को
अंदर मार रही है, जेनी है क्या अंदर? ये राजेश खत्म, गया जेनी भाई, जेनी गया भाई इसका। टाटा बाय बाय, गुड बाय सर। गए क्या गन्स डाउन भाई, क्योंकि जेनी उड़ा डाला अपन ने, तो अभी गन जो ना गए तो डाउन होना तो बनता ही था भाई। ले बेटा ले, इजी पीजी ना मेरे भाई, इजी पीजी भाई ले। एमपीसी के बेस जो ना गए तो बहुत ही ज्यादा भाई, थोड़े से ऐसा नल्ले नल्ले हो। और बाकी गाइस अगर आपको नूब व्यू भी देखनी है ना, तो हम हर रात को जो ना स्ट्रीम मारते हैं भाई, ठीक है, हर मतलब शाम को स्ट्रीम करते हैं नूब व्यू की। अगर आपको देखने तो आप वहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है, नूब व्यू भी एकदम फुल टू स्ट्रीम पे। और बाकी आज भी अपन मारने वाले रात को नूब व्यू में स्ट्रीम, तो देख लेना, कुछ बेसेस बेसेस उड़ाएंगे अपन। ये देखो भाई बच्चा क्या, कौन है, फ्यूनिक्स है। अबे तो जिंदा हो जाएगा यार, जिंदा हो जाएगा ये तो। रुक जा, ये सब कुछ तोड़ देता हूँ, ऊपर के डायरेक्टली टूट ही जाएगी वैसे भी। अरे यार भाई ये तो बार बार कूल डाउन पे जा रही है ना गाइस मेरी गन, वो दिक्कत दे रही है यार। उड़ा 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 उसका बेस, उड़ा भाई बेस, उड़ा तू भी बेस, उड़ा उड़ा बेस, उड़ा भाई उड़ा उड़ा बेस, उड़ा बेटा बेटा। अरे भाई 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 वो क्या हो रहा है, अच्छा उड़ क्यों नहीं हो रहा, ले ले बेटा। अरे बेटा जी गाइस बहुत हो गया, अब एक काम कर लेते चुपचाप भाई, ठीक है। अच्छा गन का कूल डाउन जाना पड़ेगा, रुको गन का कूल डाउन जाने दो, फिर ना अपन एक काम करेंगे, अपने पैर पैर से इसको निकालेंगे और मस्त बेटी। काम 25 पूरे बेस का कर देंगे, क्या गाइस काम 25 भाई, ठीक है। चलो गाइस बेस के पूरे काम 25 हो चुका है, चलो रेडवुड में चलते और काम 25 कर दे गाइस, ठीक है, और काम 25 कर दे। बाकी गोरिल्ला ना बॉसेस को मार नहीं पाएगा, और अगर मेरे को प्राइम ब्लड का कहीं से भाई जुगाड़ हो गया ना गाइज, अगर गाइज कोई मेरे सर्वर में खेलता है और अगर आपके पास बहुत सारा प्राइम ब्लड है ना, तो कृपया करके थोड़ा सा मेरे को दे के चले जाना यार, 1-2 हज़ार। उससे मैं भाई 10-12 तो टेरानोवा स्पॉन कर ही सकता हूँ, एंड उन टेरानोवा को जो ना गाइज अपन भाई मार के टेमेबल वाला टेरानोवा जो ना स्पॉन करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट मेरे को ये भी बताने कि 10 टेरानोवा को मैं मारूंगा तो मेरे को टेरानोवा मिलेगा या नहीं गाइज, ठीक है, ये भी फुल कन्फर्म नहीं कि टेमेबल वाला स्पॉन होगा कि नहीं, बट आप दे देना, देखते बाकी बाद में भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी तो गाइज मैं रेडवुड में एकदम मस्त भी आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को एक दो बेसिस ढूंढने हैं जिनका गेम ना अपन अपने गोरिल्ला से बजाने वाले, नए वाले गोरिल्ला से। मैं देखना चाहता हूँ कि मेटल का स्ट्रक्चर ही तोड़ सकता है कि नहीं, शायद मेटल का स्ट्रक्चर ना तोड़ पाए, ठीक है। ये भाई ये ट्राइब्स मेट ने भाई वो बना डाली है यार, बताऊँ देख रहे हो, शील्ड बना डाली है। आप इसको तोड़ सकता हो क्या, इसकी हेल्थ तो मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं होगी ना, हाँ इसकी हेल्थ तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। कितनी है भाई, 80,000 भाई, 80,000। अच्छा भाई टेक फोर स्पीड लगाइए भाई, 80,000 तो बची है, 2.5 लाख के 80,000 बची है, टूटने वाली अभी यार, टूटने वाली। 7,000 ये लो, टूट गए। गोरिल्ला को निकालो, इनका गेम बजा डालो, हवा में उड़ रहेगा जिनके डायरेक्ट सा, हवा में उड़ रहे, थोड़ा संभल के भाई आ जाओ। चलो लेट्स गो मेरे भाई, खत्म। क्या डायरेक्ट टूट गए मेटल वाले, तेरे टूट गए, टेक वाला कुछ उड़ नहीं पाया, अंदर का पूरा खत्म। क्या लग रहा है अंदर का भी खत्म, ओ मतलब ये मेटल का भी स्ट्रक्चर उड़ा सकता है, ओके ये टेक का स्ट्रक्चर नहीं उड़ा सकता, बट हमारा गोरिल्ला मेटल के बेसिस उड़ा सकता है, लाइक दिस, ये देखना। खत्म, क्या गाइज खत्म, हर एक टेरेड, हर एक डिफेंस एक झटके में सुबह हा ना मेरे भाई, ठीक है। ये देखो, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, खत्म भाई। गाइस ये गोरिल्ला काफी ज्यादा हो गई है भाई, बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, व्हाट व्हाट, सच में टच करने से मेटल टूट रहा है भाई, कौन से बेस वाइप करूं बताओ, कौन से बेस वाइप करूं मेटल से, ऐसा गोरिल्ला जिसके टच करने से बेसिस उड़ जाते हैं, अरे मजाक कर रहे हो तो मेरे साथ, वाइल्ड में उड़ गए, खत्म। जेनी बचे खाली, जेनी तो मैं उड़ा दू, वन शॉट वन शॉट। भाई साहब गाइस गोरिल्ला ओपी है यार, ये गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा ओपी है भाई, गोरिल्ला ओपी है भाई, सच में गोरिल्ला ओपी है। बाकी इनका भाई फाउंडेशन का नहीं कुछ हो रहा ना, नहीं नहीं व्हाट गाइस, कौन से बेसेस को उड़ाओ बताओ, कौन से बेसेस को उड़ाओ भाई, ये लो ये लो ये लो,
ये लो वाली भी मर गई यार, कोई दिक्कत वाली बात, वाली को मर देते, नो प्रॉब्लम खत्म गाइस, रिंगा रिंगा रोजे एंड खत्म गाइस, पूरा बेस भाई 7 फेरे मार के आजू बाजू खत्म कर दिया था भाई, ये लो पूरा बेस, खाली मैंने फेरे मारे आजू बाजू एंड सुबह है पूरा बेस सुबह गाइस, बंदर ओपी और इसे ओपी वाले बंदर के लिए ओपी वाले नाम नीचे कमेंट में चाहिए मेरे को बताने, मेरे को ओपी वाले नाम इसके लिए नीचे कमेंट में मंगते भाई, मतलब मजाक कर रहे हो क्या, क्या खतरनाक बंदर है भाई, क्या खतरनाक बंदर है यार, मजा आ गया बंदर को देखे ना, सच में मजा आ गया गाइस, बाकी जो बचा हुआ भाई वैसे ना गए तो अपन उड़ाएंगे भाई, ठीक है शील्ड नहीं टूट रही है, नो प्रॉब्लम हो, ये लो क्या चलना भाई, टूटू बाद में कर लेना भाई, खत्म है भाई पूरा बेस खत्म है भाई, अच्छा 2.5 लाख खेल दे यार इसकी, ठीक है खत्म ना सब भाई साहब, बेसेस को ऐसे मक्खन की तरह काट के रख दिया यार अपन ने, ये ले बेटा ये टूटा कि नहीं, अच्छा ये टूट तो गया है, खत्म ना मेरे भाई, बाकी शील्ड भी तोड़ देता हूँ गाइस, बंदर ओपे यार अपना, कुछ भी बोलो बंदर बहुत ही ज्यादा ओपी यार, मजा आ गया गाइस, बाकी आज का एपिसोड ना इसी के साथ ये में खत्म करने का टाइम आ चुका है, आपको हमारा ये जो बंदर है जो कि बेसिस को खाली टच भी नहीं करता, गोल गोल रिंगा रिंगा रोजेस खेलता है उनके और डायरेक्टली बेसिस उड़ जाते हैं, सो ये खतरनाक एंड ओपी सा जो हमारा बंदर है ना जो कि सारे बेसिस की बैंड बजा सकता है, ये वाला बंदर आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बता देना, और क्या बोलती पब्लिक, इस बंदर से सारे बेस जो भी है भाई यहाँ पे उन सारे बेसिस को उड़ाया जाए नीचे कमेंट करके बता दो, अगर आप बोलोगे तो मैं अगले वाले एपिसोड में जरा मतलब कल वाले एपिसोड में सारे के सारे बेसिस जितने भी है ना उन सबको उड़ाने की कोशिश जरूर करूंगा, नीचे कमेंट कर देना खाली आप भाई, ठीक है आपकी भाई उड़ा देना सारे बेसिस करके, ठीक है सो बिलाकर गाइस आज का हमारा एपिसोड जो ना इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है, मिलते तब से भाई लैग मारने लगा, देख रहे हो गाइस अभी गेम अपना थोड़ा लैग मारने लगा, लेकिन कोई ना चलो, सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क डू ऑर डाई के, तब तक के लिए बाय बाय, बाकी अगर आज का डू ऑर डाई का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बाकी हमारा आज का बंदर जो है ना गाइस वो भी आपको कैसे लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना गाइस, ठीक है सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस, मोस्ट पावरफुल बंदर अपन ने टेम कराया भाई, मोस्ट पावरफुल बंदर, but it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.